अलवर में 50 लाख रुपए लेकर एक बदमाश को छोड़ने का मामला सामने आया है। एसएचओ महेश शर्मा और हेड कॉन्स्टेबल जान मोहम्मद ने पिछले दिनों एक लुटेरे को पकड़ा था। उसकी कार से मोटी रकम मिली तो बदमाश को छोड़ दिया गया। 8 दिन तक यह मामला दबा रहा, लेकिन गोपनीय सूचना आईजी डीआईजी पहुंची। इसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। कोतवाल महेश शर्मा और हेड कॉन्स्टेबल जान मोहम्मद ने लूट के आरोपी को पकड़ा था। उनकी कार से 50 लाख रुपए मिले तो रकम लेकर बदमाश को छोड़ दिया और दोनों ने रकम अपने पास रख ली और इसके बाद 8 दिन तक मामले को दबाए रखा था। लेकिन गोपनीय सूचना के जरिए दोनों की शिकायत डीजीपी और आईजी तक पहुंच गई और इसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया कि कार में कुल कितनी रकम थी, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि रकम मोटी थी और 20 से 50 लाख रुपए हो सकते हैं। दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच विजिलेंस के एएसपी को सौंप दी गई। एसएचओ और हेड कॉन्स्टेबल को सस्पेंड करने के बाद एसपी तेजस्वी गौतम ने कहा कि मामला 10 और 11 जुलाई की रात का है। भरतपुर के जूरे आरा के असलम सईद दो बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने बख्तल की चौकी के पास पकड़ा था। बदमाशों कार से मोटी रकम मिली थी और बाद में एसएचओ महेश शर्मा और हेड कॉन्स्टेबल ने रकम अपने कब्जे में लेकर बदमाशों को छोड़ दिया था। लेकिन करीब 8 दिन बाद गोपनीय सूचना के जरिए मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद दोनों को आज सस्पेंड कर दिया गया।